Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irshad bhai, kya hal chal hai janab? Alhamdulillah. ये सबसे बेस्ट है जबरदस्त तो फवाद भाई आप और अरशद भाई जैसे लोग हमारे लिए जो है ना वो भाई से फखर लोग हैं देखें इतनी मेहनत करते हैं आके यहां पे E9 वीजा पे आके काम करना ये किसी का आसान काम नहीं है भाई मेरी जो है ना मैं मुझसे वो वर्ड्स यूज ही नहीं हो पाते जो मुझे मतलब के इजाज़ दिया है जाहिद भाई ने क्योंकि अभी जाहिद भाई की स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है मगर ये साबित किया हमारे जाहिद भाई ने अभी पूछगिछ करते हैं बहुत से सवाल करते हैं खाना खाते हैं गपशप करते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगेन मेरे बहुत से क्वेश्चन हैं बहुत सी ख्वाहिशात हैं बहुत से सवाल पूछने के जाहिद भाई से ये हमारे जाहिद भाई आखिर फाइनली मेरी मुलाकात होगी हमारे जाहिद भाई से हमारे ग्रेटफुल मैन से तो मैं इनसे सबसे पहले इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोगों को जो कोरिया में उनको तो सबको मालूम है कि आप क्या हैं क्या कर रहे हैं मगर जो पाकिस्तान में या जिनको नहीं मालूम है उनके बारे में थोड़ा सा अपना तारुफ कर ज़रूर ज़रूर जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जाहिद हुसैन है और मैं पाकिस्तान में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा गिलगित बल्तिस्तान का आप लोग गए भी होंगे अगर नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा मैं वहाँ के एक छोटे से शहर स्कर्दू से मेरा ताल्लुक़ है और कैडेट कॉलेज स्कर्दू में FSC करने के बाद मैं कोरिया आया हूँ मुझे कोरिया 11 साल हुए अरशद भाई माशाल्लाह और कोरिया में मैं एज अ स्टूडेंट आया था कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अंडर ग्रेड में मैं पाकिस्तान से पहला बंदा था और मेरे साथ एक फैसलाबाद के दोस्त थे और यहाँ आने के बाद शुरू में तो कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था लेकिन यहाँ आने के बाद जो है यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारते हुए सबसे पहले मैंने लैंग्वेज सीखी एक साल उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया और बैचलर्स के बाद जो है आखिरी सेमेस्टर में मुझे यहाँ पे एक एनर्जी कंपनी थी क्योंकि मैंने थीसिस लिखा था सोलर सेल्स पे तो रिन्यूएबल एनर्जी की एक कंपनी थी सोलर पावर पे काम कर रहे थे उसमें मेरी जॉब हुई और मैं उसमें तकरीबन कोई 5 साल मैंने जॉब की है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई 2-1 प्रोजेक्ट्स भी हमने फाइनल किए उसी दौरान क्योंकि माजर चाहता हूँ बात हाँ काटना चाहता हूँ जो आपने जो वो लिखा मतलब के वो आपने आइडिया दिया था उस कंपनी को कि इस प्रोसेस पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा जी जी बिल्कुल क्योंकि मैं असल में मेरी यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आपको तो पता ही है जॉब शॉप के लिए अप्लाई करते हैं हर कोई यहाँ की बड़ी कंपनीज हैं सैमसंग ह्युंडे LG और सारी मेरी एक इस तरह की एक बड़ी कंपनी में जॉब हो गई थी लेकिन उन्होंने मुझे एशिया पैसिफिक की टीम में डाला कि जो लोग मायूस हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा या पाकिस्तानियों का क्या बनेगा तो वो इससे सबक सीख सकते हैं ना कि इनके दिल में था कि चाहे पाकिस्तान का क्या बनता है क्या नहीं बनता मगर मैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ करूंगा तो खुद ब खुद कुछ बन जाएगा अच्छा ये तो वाकई में बहुत बड़ा इशू था कि जो पाकिस्तान का एनर्जी का भी इशू मतलब कि सॉल्व हुआ और दूसरा कि कोरियन कंपनी ने आपकी वजह से इंटरेस्ट भी लिया ना जिससे कोरिया को तो जो फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि कारोबार और बहुत से ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं खासतौर पर इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम जो अभी तक चल रही है लोड शेडिंग की तो वो बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है ना ये मतलब जिस इदारे को आपने प्रमोट करने की कोशिश की या हेल्प करने की कोशिश की जी, तो इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अच्छा दो सवाल जो है वो मेरे जहन में नहीं पाकिस्तानी यहाँ पर जितनी कम्यूनिटी है उनके जहन में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में है अच्छा नंबर एक बात कि आप यहाँ पर TV शोज़ में कंपटीशन में माशाल्लाह एक तो आए हो फिर जीते जी दूसरी बात कि आपको इजाज़ी शहरियत मिली है यहाँ पे जो कि पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान के लिए इजाज़ की बात है सिर्फ आपके लिए नहीं आपके फैमिली के लिए नहीं हमारे लिए पूरी इजाज़ की बात है तो ये दोनों मुझे बताएं कि एक तो आप TV शोज़ में आने का तरीका क्या था दूसरा कि आप जो है ना इजाज़ी शहरियत किस तरह हासिल इतने दो बड़े सवाल पूछे हैं जी 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 ये हर एक के दिल में जिसको भी पता चलता है वो चौंक उठता है अरे इजाज़ी शहरियत मिल गई माशाल्लाह या फिर पूछते हैं या वो TV शोज वगैरह में किसे आ जाता है वो आके फिर जीत भी जाता है बस वो असल में अगर TV शो से मैं बात को शुरू करूँ तो जब मैं आया था 2008 में कोरिया जी जी तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सीखने के बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते थे जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया और बहुत सारे लोग जो जानते थे वो बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें जानते थे
जो हमारी जो खूबसूरतियाँ हैं उनको वो किसी नहीं के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। 2010 में हमारे कुछ सीनियर्स थे, अली काशिफ भाई वगैरह जो अभी यूके में प्रोफेसर हैं वो यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ और भाई थे हमारे। अच्छा। हम सब ने मिल के पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया 2010 में। मतलब बुनियाद आप लोग दोस्तों ने रखी। हाँ जी, मतलब पीछे से थोड़ा काम चलता आ रहा था लेकिन 2010 में हमने उसको एक एज अ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बना के एम्बेसी के साथ जो है ना 2010 में 14 अगस्त की फंक्शन जो हमारी पार्टी होती है यहाँ पे फंक्शन में हमने उसकी एक ऑफिशियल बुनियाद रखी थी। तो उसके बाद जो है हम लोग पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ करते, स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से हमने पाकिस्तान को प्रमोट करने का जो है ना वो शुरू किया। हम लोग सेमिनार्स करते थे, कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अच्छा जी कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते थे इससे, और हमने हम सबसे बड़ी जो चीज़ हमने की थी वॉलंटियरिंग करते थे। तो मैं आरिरंग टीवी पे गया, वहाँ पे 17 ममालिक थे। अच्छा। बड़े बड़े ममालिक सारे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उस शो में मैं गया, वहाँ पे पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, मुख्तलिफ टॉपिक्स देते थे उस पर, हम लोग अपने मुल्क के बारे में बताते थे। अच्छा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं चैम्पियन बना जी। हाँ, 17 मुल्क थे हम लोग। हाँ जी, तो उसमें मैं जीत गया। उसकी उसमें जीतने के बाद यहाँ के लोगों को पता चला कि पाकिस्तान। उसके लिए आपने अप्लाई कैसे किया, मतलब कि एज एम्बेसी के थ्रू या नहीं? उस टाइम पे मुझे किसी दोस्त वगैरह ने जो है ना उसके बारे में बताया था, फिर मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रिसर्च किया थोड़ा सा, और जब मुझे पता चला तो फिर मैंने खुद पर्सनली उस टाइम पे अप्लाई किया था। तो उस वक्त जो है ना मुझे जो है ना वो मैंने पर्सनली अप्लाई किया था, उसके बारे में खुद रिसर्च किया था। मतलब आप जब इन्फॉर्मेशन ले लें तो आपको बहुत सारी इंटरनेट यहाँ पे फास्ट है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह करके मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया। जब इस शो में मैं जीत गया तो यहाँ पे एक कोरियन शो, ये तो इंग्लिश में था, ये शो जो है आरिरंग टीवी पे ब्रिंग इट ऑन के नाम से, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्रिंग इट ऑन जाहिद, जब आप लिखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक शो बहुत ही फेमस जा रहा था जिस पे फॉरेनर्स आके बैठ के वहाँ पे डिस्कस करते थे, कोई 9-10-11 लड़के बैठ के। अच्छा। और 3 कोरियन एमसीज होते थे जो बड़े मशहूर यहाँ पे थे, कॉमेडियंस और सिंगर्स थे, वो लोग एमसी करते थे और फॉरेनर्स बैठते थे उसमें। वो शो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर जा रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोरिया में फॉरेनर्स आके इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पे कोरियन में बैठ के बात कर रहे थे। पहले जो पाकिस्तान के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन थी इंटरनेट पे या जो भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी वो, और 2 साल बाद उस शो में मैं जब रहा हूँ उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे भी स्कैटर्ड हुई हुई है क्योंकि हमारे शो के बारे में चीज़ें आती रहती थी और मेरे बारे में चीज़ें आती रहती थी। तो इन चीज़ों के बाद जो है ना पाकिस्तान के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन, एक तो इंफॉर्मेशन जो डेटा बेस है वो जो है ना काफ़ी अच्छी तरफ चेंज हो गई है, और दूसरी चीज़ कि ज़्यादा खुशी तब होती है, 2 जगह हैं जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक जगह वो कि मुझे लोग फ़ोन करते हैं कभी कभी। एक दफ़ा मैं जा रहा था तो मुझे कहीं से कॉल आ गई, अच्छा अननोन नंबर था, मैंने कहा यार उठाऊं कि ना उठाऊं, लेकिन मैंने उठा लिया शायद किसी को इमरजेंसी हो। पाकिस्तान की कम्युनिटी में कभी कभार लोगों को काम शाम होता है तो कॉल्स कर लेते हैं। तो मुझे किसी बंदे ने कॉल की, मैंने कहा जी कौन, तो वो कह रहे सलाम जाहिद भाई क्या हाल है जी, ठीक ठाक है ये वो, मैंने कहा जी बिल्कुल अल्लाह का करम है। तो वो कह रहे थे कि जाहिद भाई मैं आज बहुत खुश हुआ इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ही कॉल की है। तो मैंने कहा जी भाई कैसे, मुझे भी ज़रा बता दें मैं भी ज़रा खुश हो जाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं टैक्सी में जा रहा हूँ इस टाइम पे, और हमेशा जब मैं कोरिया में टैक्सी में बैठता हूँ तो आपको पता ही होगा कोरिया में जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो ड्राइवर पूछता है कि आप कहाँ से हैं। जी जी। फिर आप बताते हैं कि मैं इस मुल्क से उस मुल्क से, तो वो फिर उनके जो इमेज होता है जहन में वो पेश करते हैं। तो पहले हमेशा यही होता था कि जब हम मैं कहता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो कहते थे अच्छा इस तरह करते थे, इसी तरह करते, मतलब वो एक क्या कहते हैं मीडिया की एक प्रोपेगेंडा है हमारे बारे में अनफॉर्चुनेटली। और फिर वो बिन लादेन की जो स्टोरी भी चली हुई थी उस टाइम में, तो उसके 2-3 साल बाद थी, तो वो हम ज़्यादातर कहते थे कि बिन लादेन ये करते थे और इस तरह की चीज़ें। लेकिन उस टाइम पे उस ड्राइवर ने उससे कहा कि अच्छा आप पाकिस्तान से, आप जाहिद हुसैन को जानते हैं? तो वो बंदा क्या है यार कि मैं कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता था पहले। मैंने कहा यार ये कौन, फिर मैंने फेसबुक पर ढूंढ लिया और फिर मैंने किसी से आपका नंबर मांगी, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने आपको डायरेक्ट ही कॉल किया। ये कितने प्राउड की बात है, कितने प्राउड की बात है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का जो लम्हा है वो उस टाइम पे वो था, क्योंकि मेरा मकसद था कि पाकिस्तान का इमेज चेंज हो जाए, और ये एक सफ़र जो है ऐसे ऐसी चीज़ों से और बिन लादेन जैसे ऐसे लोगों से, सफ़र जो है जाहिद हुसैन तक का आना, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। जबरदस्त यार, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस टाइम पे, और इस तरह के बहुत ज़्यादा लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कॉल की। और दूसरी चीज़ थी, तो यही सीन उस तरफ भी हो सकता है अगर ये लोग हमारे मुल्क आएँ और हमारा कल्चर देखें, जो वहाँ की खूबसूरती वो देखें। तो मेरा मकसद ये है कि पहले हम इनको वहाँ ले जाएँ टूरिस्ट के तौर पर या किसी भी तरीके से। तो मुझे एम्बेसी से लास्ट ईयर
कई दफ़ा कॉलें आती हैं, एक दफ़ा फिर मुझे कॉल आई और मैंने कहा कि जी सर क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि जाहिद यहाँ पे एक खातून आई हुई हैं, दो तीन खातून जो है ना वो आई हुई हैं यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हमने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं भाई, क्या चीज़ आपको पाकिस्तान लेके जा रही, तो उन्होंने कहा कि हमने जाहिद को टी वी पर देखा था, उसने जो है ना पाकिस्तान की अच्छी वहाँ पर दिखाई, तो हमें हमारा दिल कर रहा है कि हम पाकिस्तान जाएं। तो ये एक दूसरा एक लम्हा है जो मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस बनी थी, और हमेशा इंशाल्लाह आगे भी ये मैं कोशिश करता रहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ वहाँ पे, और ताकि जब हम एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे, कल्चर की तरफ जाएंगे, तो फिर जो है ना हम इकॉनमी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी हमारी दोस्ती जो है ना वो मजबूत हो सकती है। और आप अरशद भाई, आपके लिए मैं ये कहूँ कि आपने अभी रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया, आप जो एक दफ़ा फूल दे रहे थे कि आप अंदाज़ा लगा लें मैं कहाँ से हूँ, वेयर एम आई फ्रॉम, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, फिर आप जब कहते थे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस इज अ फ्लावर फ्रॉम पाकिस्तान, जो आप फूल देते थे, ये देखें ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन्हीं से जो है ना लोगों के बारे में एक प्यार पैदा होता है कि यार देखिए इतना अच्छा बंदा है, आके पाकिस्तानी फूल है क्योंकि मुझे फूल दे के जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना ये हम सबकी जिम्मेदारी, अगर हम करें जी तो हम लोग जो है ना पाकिस्तान चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, लोगों का पाकिस्तान तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और दूसरी ये कि हम लोग मुख्तलिफ, मैंने यहाँ पे सोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फोरम था 2012 में, और जो सोल गवर्नमेंट करती थी तो उसका मैं एक जो है ना एक तेन्योर के लिए प्रेसिडेंट रहा था। अच्छा। तो उस वक्त भी हमने सोल सिटी को ग्लोबल बनाने के लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे, और उसके बाद जो है ना मतलब इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे थे, तो ये इन कंट्रीब्यूशंस के बेस पे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को यहाँ पे प्रमोट करने के बेस पे हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी ने, जो हमारे करंट जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं रहीम हयात कुरैशी साहब, उन्होंने, और स्पेशली जो हमारे कम्युनिटी काउंसलर जो हैं शफीक हैदर विर्क साहब, क्योंकि कम्युनिटी का लेन देन ज़्यादा उन्हीं से होता है, तो उनकी रिकमेंडेशन पे एम्बेसडर साहब ने जो है ना और एम्बेसी ने मुझे ये ऑनररी सिटीजनशिप के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था जी, सोल सिटी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था, और सोल का जो मेयर है मेयर फगवन सुन, तो उन्होंने मेरी उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करके, मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके, फिर उन्होंने जो है ना मुझे सोल के अंदर यार एक बार गले मिल लो यार भाई, ये देखो कितनी एजाज़ की बात है कि इन जाहिद भाई ने ग्लोबल मतलब कि वर्ल्ड में तमाम यहाँ पे अवेयरनेस देने में पाकिस्तान के लिए या कोरिया के बारे में, कोरियन लैंग्वेज में चाहे वो उर्दू में चाहे वो इंग्लिश में, कोरिया में अपना मतलब के असल चेहरा दिखाया और कोरिया का असल चेहरा ग्लोबल में दिखाया ना कि ये यहाँ पे कितना फ्यूचर चल रहा है, हम लोग कहाँ पर किस तरह चेंज हो सकते हैं। तो उन बुनियादों पे हमारी एम्बेसी ने जाहिद भाई को सिलेक्ट किया कि भाई इनकी मेहनतें इनकी काविशें जो कि नज़र आती हैं। तो जाहिद भाई का एम्बेसी से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जी, कोई मतलब कि कोई ऐसा होता है ना कि भाई उसने रिश्तेदार को वहाँ सेट कर दिया, उसको बेटे को कर दिया, चाचू को कर दिया। जाहिद भाई ने अभी जो पीछे बताया कि मैं गिलगित के उस इलाके से हूँ जहाँ पे आबादी भी कम है और वहाँ पे लोगों में जज्बा जुनून तो बहुत है, मगर यहाँ तक आने का हौसला जो है ना उनमें अभी अवेयरनेस इतनी नहीं है, वहाँ पे इतनी सहूलतें नहीं हैं। तो उन अभी जाहिद है जिसने भी इन्हें सिलेक्ट किया तो इनकी कारकर्दगी पे गर्व किया ना, तो यकीनन इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, उसके लिए मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल खुश है। यकीन माने जिस दिन मैंने ये देखा था ना इनको जो सिटीज़नशिप मिल रही थी, तो अल्लाह जानता है मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और मैंने इतना प्राउड फील किया, मैंने बोला यार एक पाकिस्तानी को अगर कुछ चीज़ मिल रही है तो समझ लो कि कोरिया में इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं है, कि कोई भी बंदा अपने मुल्क आपको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हो जाए कि यार मैं चाहता हूँ आप यहीं पर रहूँ रहो, तो इससे बड़ी एजाज़ की बात क्या है। जो एजाजी शहरियत जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, उसमें एक और रीज़न मैं मतलब जो पर्सनल लेवल पे मेरे अपने अंदर मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ, वो ये है कि देखें मुख्तलिफ स्पेशली हमारे नौजवान जो हैं वो चाहते हैं कि जब बाहर मुल्क हम पहुँच जाएँ तो हम सब की कोशिश यही होती है कि बस यार पासपोर्ट मिल जाए जी, और मैं इधर का पासपोर्ट मिल जाए, उधर का पासपोर्ट मिल जाए, मतलब हर बंदे की अपनी एक होती है, या यहाँ से यूरोप चला जाओ वहाँ से इजीली पासपोर्ट मिल जाए, ये होती मतलब कोई भी मतलब ये है कि देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सफ़र करने का बड़ा शौक़ होता है जी, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट से जो है ना वीज़े लगाना पड़ता है, वीज़े नहीं मिलते, मैं नहीं जा, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ठीक है, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, मेरी सोच ये है सर कि मतलब अगर मुझे पाकिस्तानी होने की वजह से कोई मुल्क मुझे वीज़ा ना दे, अगर कोई मुल्क मेरे वीज़े में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा ले, तो सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं, मैं जापान के वीज़ा अप्लाई करने गया तो
मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन देख के मैं सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके गया था एम्बेसी लेके गया, तो उन्होंने जब मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा तो उन्होंने मुझे एक और लिस्ट भी दी है कि भाई आप जो है ना ये एक्स्ट्रा लिस्ट भी लेके आ जाएं। तो ठीक है, जो जेन्युइन किस्म के बंदे हैं वो शायद ये करेंगे कि जाके वो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑफेंसिव फील हुआ। मैं थोड़ा सा ऐसे मामलों में, स्पेशली जब पाकिस्तान की बात, मैं थोड़ा खरदमाग हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आपने सिर्फ मेरा पासपोर्ट के बेस पे अगर ये ज़्यादा डिमांड की है तो आप प्लीज़ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस करें, मैं जापान नहीं जाऊँगा जी। तो मैं उस दिन जापान के एम्बेसी से मैं वापस आया, उसके बाद मैंने अभी तक वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया। बल्कि मेरा जब शो चल रहा था तो मैंने उसमें ये कहा भी था कि उन्होंने पूछा कि आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ से बायकॉट की भी है, तो मैंने वहाँ पर ये कहा था कि सिर्फ मेरे पासपोर्ट देख के जब मुझसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, तो मैंने जापान विज़िट करने से बायकॉट किया हुआ है अभी तक। तो ये पिछले 4-5 साल पहले की बात है, मैं अभी तक जापान नहीं गया हूँ। यहाँ पे साथ ही है, सब लोग जाते हैं, मैं नहीं गया हूँ जी। तो वो एक था, और दूसरा ये कि मतलब बहुत सारे लोग, अब मैं क्योंकि एलिजिबल हूँ यहाँ पे कोरियन पासपोर्ट लेने के लिए, मैं एलिजिबल हूँ, 11 साल हो गए मुझे तो मैं ले सकता था। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि कोरियन पासपोर्ट क्यों नहीं लेते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार अगर कोरिया के साथ पाकिस्तान के ड्यूअल नेशनलिटी वाला सीन होता तो मैं डेफिनेटली लेता, क्योंकि आई लव कोरिया, तो मैं क्यों ना लेता। लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट गिव अप करके मैं कोरियन पासपोर्ट शायद कभी ना लूँ। ठीक है ना जी? तो मेरा ख्याल है ये बात मेरे दिल में थी, एक अपनी एक पर्सनल नीयत थी, तो अल्लाह ने शायद ये मेरी एक नीयत देख ली और मुझे जो है ना वो एजाज़ी या बात वहीं पे आ जाती है, खुद ही को कल बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बताते क्या है। तो ये दुख हुआ हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ऑफ कोर्स, तो आप देख लें कि परदेश में रहना ही एक बहुत बड़ी दुख की बात होती है, आपको तो अंदाज़ा ही है। ये जो परदेश में नहीं है ये बात उनके लिए, मेरे भाई ये सोचते हैं बस जाऊंगा मैं, बड़ा हम लोग कहते हैं नहीं हम बाहर जाके ये करेंगे वो करेंगे, नहीं अच्छी बात है बाहर जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए, मगर जब आते हैं तो कमरे से निकलने को दिल नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये ही कि एक बड़ा स्ट्रगल है हम लोग कर रहे हैं, दूसरा ये कि मज़हब जो है, कल्चर है हमारा, इस्लाम है, कल्चर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता था जब मतलब हम लोग यहाँ पे हलाल फूड और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते थे, तो मतलब कोरियंस को क्योंकि इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। जी जी, वो एक ग्लोबल ट्रेंड बना हुआ था कि जो है ना वो इस्लाम ये है तो इस्लाम वो है, उनके हलाल ये वो, तो ये सारी चीज़ें। तो जब कोरियंस इसके ख़िलाफ़ बातें करते तो काफ़ी दुख होता था, क्योंकि हमारी अपनी भी कोई प्रमोशनल, कोई इतनी कोई ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल लेवल पे कोई मीडिया चैनल है नहीं अनफॉर्चुनेटली कि जिसमें हम अपनी खूबसूरतियां बयान कर सकें, और जो मतलब आपको खूबसूरतियां बयान करने की ज़रूरत नहीं, जैसा आप हैं वैसे आप पेश करें। जी जी जी, कहते थे कि क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिद हुसैन मेरा नाम है, तो यहाँ पे कोरिया में आपको पता है कि फैमिली नेम है किम, तो वो फिर कहते हैं कि आप सेम, जिसके आगे किम होता है वो सब कहते हैं कि हम एक ही फैमिली के हैं। तो वो समझते थे कि हुसैन है वो तो शायद सद्दाम हुसैन वाली फैमिली है सारी ना। तो वो एक बहुत फनी सा है, लेकिन साथ में दुख भी होता था कि मतलब देखें वो एक हमारा बना वो है, तो ये इमेज है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना इनके टीवी शो पे, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बताई, मौका मिला, तो ये एक्सप्लेन करने के बाद अब जाके जो है ना इनके वो चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 2018 के अगस्त में इन्होंने मुझे जो है ना वो मुसलमान मुल्क के लिए जी अपने कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना इन्होंने मुझे अपना एम्बेसडर बनाया। माशाल्लाह, बड़े मुबारक हो भाई। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एज एन एम्बेसडर वहाँ पर काम ये है कि मुसलमान मुल्कों में यहाँ पर जो मुसलमानों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, हलाल फूड है, मसाजिद हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो मुसलमानों तक बताना, स्पेशली पाकिस्तान को बताना और मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों को बताना, यहाँ के टीवी शोज़ में जाके मैं ये चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और अपने इंस्टाग्राम और इन चीज़ों पे भी बताता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो इस तरह ये है कि इस फील्ड में भी अब ये लोग जो है ना हमें आगे कर रहे हैं, ख़ुद आगे लेके आते हैं हमें। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में और कोरिया में क्या फ़र्क लगता है आपको, क्योंकि पाकिस्तान भी खूबसूरत है और कोरिया भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान और कोरिया में जो खूबसूरत, पाकिस्तान और कोरिया में अगर मुख्तलिफ क्या है वो अगर आप पूछें, जो सेम क्या है वो अगर पूछें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं,
बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो सेम है हमारे पाकिस्तान और कोरिया में. मुख्तलिफ ऑफ कोर्स आप देख लें कि हमारा फूड का जो कल्चर है जी जी वो बहुत ही मुख्तलिफ है. जी जी हमारा फूड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो फूड है बहुत रिच है जी, बहुत डाइवर्स है जी, जी. और कोरिया की फूड भी बहुत डाइवर्स है, बहुत रिच है, लेकिन टोटली मुख्तलिफ है जी, जी. फूड कल्चर जो है मुख्तलिफ है और जनरल जो कल्चर है आप देख लें कि यहाँ पे मतलब कोरियन जो कल्चर है और पाकिस्तानी कल्चर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं. सबसे ज़्यादा जो मुझे मुख्तलिफ यहाँ पर लगता है वो ये है कि कोरियन लोग जो हैं पाकिस्तान में हम लोग बड़े आराम से करते हैं ये चीज़ें जी, जी, जी. बड़े सुकून से, बड़े टाइम लेके जी. कल अगर हमने मिलना हो तो आप देख लें, ये इस बात से आपको अंदाज़ा हो जाए कितना डिफरेंस है. हमने मिलना है भाई कल शाम को मिलते हैं. हाँ. हम नहीं कहेंगे कि भाई 6 बजे मिलना है, 7 बजे मिलना है, एग्जैक्ट टाइम टाइम नहीं बताएंगे. अभी तो शायद हो गया होगा प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन बचपन में तो हमने कभी ये नहीं किया था. शाम को मिलना है, कल शाम को मिलेंगे, कल शाम को मिलेंगे, ठीक है. लेकिन कोरिया में ये टाइम एग्जैक्ट टाइम जी, ये बड़ी बात है. और ये टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है इनमें. टाइम एग्जैक्ट टाइम पे जो चीज़ कहा गया वो उसी टाइम से, बल्कि पहले ही कर लेते हैं. कहीं पे मीटिंग हो तो 15 मिनट पहले पहुँचे हुए होते हैं. हमारे हम ये नहीं कि हम लोग गलत हैं इसमें, हमारा अपना स्टाइल है, स्टाइल है. जो लेट आता है उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, कुछ आराम से जाते हैं, कुछ वो. और दूसरा ये मतलब इसी से ही रिलेटेड है कि ये लोग हर चीज़ को इस मतलब ये लोग क्यों टाइम पे चीज़ें पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका एक कल्चर है जी पाली पाली. हाँ, पाली पाली. पाली पाली मीन्स जल्दी जल्दी, ठीक है ना. हर काम जल्दी करते हैं ये, हर काम. ये बुर्ज खलीफा जो है ये कोरियन कंपनी ने बनाई है. दुबई में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो कोरियन कंपनी ने बनाई, और वो कहते हैं कि वो टाइम से पहले ही कंप्लीट किया था इन्होंने, इनकी कंपनी ने. हालांकि दूसरी कंपनी से वो टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं. तो ये चीज़ जो है ना इनमें ज़्यादा है. पाकिस्तानी मोटरवेज भी कुछ कंपनी कोरियन कंपनी, देव कंस्ट्रक्शन होती थी. अभी तो हमारे पास सिर्फ देव के बसेज हैं. वो देव जो है वो यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने हमारा मोटरवे जो है ना वो 90s में जो है ना मोटरवे बनाया था. तो मतलब वो भी उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बनाया था. तो ये है कि इनमें पाली पाली वाला कल्चर है. हम लोग पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स, मतलब दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. पाली पाली वाले में भी चलें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसमें फिर लोग थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि यार हर चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में आ जाते हैं. स्लो में भी है कि मतलब अभी कभी कभी आप स्लो करते हैं तो बड़ा मज़ा है, सुकून से काम शाम हो रहा होता है, लेकिन ये है कि फिर हम पीछे रह जाते हैं. तो वो भी एक मसले. तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल ये एक डिफरेंस है. और दूसरा डिफरेंस ये है सर कि जो मैंने देखा है, ऑफकोर्स इंटरनेट स्पीड जो है वो अभी पाकिस्तान की काफ़ी फास्ट हो रही है, लेकिन कोरिया जो है वो पूरी दुनिया में फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड है जी यहाँ की. और टेक्नोलॉजी तो ऑफकोर्स कोरिया की माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, और पाकिस्तान में अभी इंडस्ट्रीज़ की अनफॉर्चुनेटली कमी है, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो है ना हम लोग उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो भी चंद सालों बाद हम उस ग्रिप पे आ जाएंगे. दूसरी ये कि जो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत कमाल, शायद आपने भी देखा होगा इनके सबवेज हैं, अच्छा जी बसेज हैं, बहुत ही क्लीन, टाइमली, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं, कंप्यूटराइज, हर चीज़ कार्ड से चलता है, और बहुत सस्ता है जी. वो तालीम के लिहाज से भी ये लोग, इनकी शरह खवानदगी जो है वो ज़्यादा हाँ है, 95-98% तक लोग पढ़े लिखे. देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक अच्छी बात ये बता दूँ, कोरिया के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जी. जी जी साउथ कोरिया के पास कोई नेचुरल रिसोर्स, कोई गैस, कोई तेल, कोई सोना, कुछ भी नहीं है. सॉरी, सोना तो ऑफकोर्स बना भी सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास नहीं है. इनकी वाहिद जो रिसोर्स है जी वो एजुकेशन है जी. इन्होंने एजुकेशन के बेस पे जो है ना ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनाई है. आप सब जानते होंगे पाकिस्तान में कोरिया की सैमसंग जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, एलजी, ह्युंडई मोटर्स जो है, किया मोटर्स, लोटे जो है. अभी माशाल्लाह सैमसंग की कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. के वाटर के नाम से एक कंपनी है, वहाँ पर काम कर रही है पावर के कंस्ट्रक्शन में. अभी रिसेंटली हुंडई जो हम कहते हैं पाकिस्तान में, हालांकि वो हुंडई नहीं है, ह्युंडई है, ह्युंडई कहते हैं, उनकी अभी प्लांट बन रही है जी फैसलाबाद में. निशात जो कंपनी है पाकिस्तान की जी, जी, उनके साथ ग्रुप निशात ग्रुप जी, उनके साथ जो है वो वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री प्लांट बन रहा है. और किया मोटर जो है वो भी एक ह्युंडई की सिस्टर कंपनी है, कोरियन कंपनी है गाड़ियों की है. वो भी जी रिसेंटली हमारी लकी सीमेंट लकी ग्रुप जो है कराची में, उनके साथ उनका प्लांट बना है. और आज ही मैंने बल्कि अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है कि उनकी जो एक छोटी सी नई क्यूट सी गाड़ी है वो
अभी पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है किया वालों का, और इंशाल्लाह आज हमारे एम्बेसडर साहब ने कोरिया में, जो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया था ट्विटर पे, मैंने भी शेयर किया था कि किया वाले अब लॉन्च कर रहे हैं गाड़ियाँ, प्लांट बन चुका है, अभी हुंडई वाले भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल तक वो भी हो जाएगा। तो ये सारी कंपनीज जो है ना, पॉस्को स्टील में, पॉस्को एक इनकी बहुत बड़ी कंपनी, ये सारी इन्होंने अपनी एजुकेशन के बेस पर बनाई है जी। वाहिद रिसोर्स है, 95% से अबव इनकी लिटरेसी रेट है। तो ये देखें एजुकेशन कौमों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अभी लिटरेसी रेट बहुत लो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है ना वो हर कोने कोने में पहुँच जाए पाकिस्तान के। जिस दिन हम एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कौम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जाहिद भाई, एक और सवाल है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो कुछ एजेंट्स के ज़रिए आते हैं, कुछ स्कॉलरशिप पर आते हैं, चाहे खुद कुछ ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करके आ जाते हैं जी, मगर उन दोस्तों में यहाँ पर आने के बाद पैसे कमाने के चक्कर में भी पड़ जाते हैं ना कि बस पैसे कमा लो, और अगर मोटिवेट होते भी हैं आपको देख के, मगर इंस्पायर नहीं हो पाते ना, मतलब कि जब तक तो आपको देखा आपको टीवी शोज में आपकी स्ट्रगल को, तो एक दिन के लिए आ गए, मगर जैसी सर्दी पड़ गई या जैसे ही कुछ ऐसा माहौल हुआ तो फिर चुप करके पीछे बिस्तर में सो गए। तो मुझे उन दोस्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वर्कर्स के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर वो है ना, उनके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बताएं कि वो मोटिवेट ना हो कि बस 5 मिनट के लिए मेहनत की उसके बाद बस देखेंगे या रहने देते हैं, आधा काम करके छोड़ देना, ये हमारे जो नौजवान तबका है उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। दो कदम उठा लेते हैं, जो मैंने नोट किया है, शायद आपने भी किया होगा, मुझे देखा, आपको देखा, या किसी चाचा को देखा, मामू को देखा, भाई उसके पास कुछ अचीव कर लिया तो मैं भी करूं, मगर जैसे दो कदम के बाद मुश्किलात आती हैं तो फिर हट जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा मैसेज दे दें कि वो इंस्पायर हो जाए ना, इंस्पायरेशन वर्ड्स बताएं। मैं आपसे वो माजर चाहता हूँ, मैं फिर बात काट देता हूँ, मेरी बात लंबी हो गई है। आप अगर जाहिद भाई की फेसबुक पे पेज पे जाएंगे, वहाँ पे इनका स्टार्ट में शेयर नजर आएगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो किसी भी बंदे में मोटिवेट या इंस्पायरेशन आपने देखनी है तो उसकी स्टार्ट पिक्चर या स्टार्ट स्टेटस या किसी भी पोस्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वैसे तो इनके बारे में मैं तो जानता हूँ कि ये कितना मतलब के अंदर से भरे हुए ना, कितनी तवानाई है इनमें, मगर आप उन दोस्तों के लिए इस शेयर के साथ साथ कुछ और भी बताएं कि वो इंस्पायर हो जाएं। आपने बहुत ही जो है ना वो एक सख्त सा जो टॉपिक जो है वो छेड़ा है, सख्त सा इसलिए छेड़ा है कि हमारे नौजवान जो है ना नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखें, जो आपने एक काम शुरू करके गिव अप करने वाली बात की है जी, उस पर तो मेरा ख्याल है हमारे दोस्तों को इतने ज़्यादा लेक्चर्स मिलेंगे, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्टोरीज इतने मिलेंगे जी, कि गिव अप करना तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे वो आप किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हो, उसमें गिव अप वाला ऑप्शन जो है ना वो नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ करना है मैंने अपने कल्चर के लिए, कुछ करना है मैंने अपने मतलब किसी भी मतलब अपने घर वालों के लिए, कुछ भी करना हो, चाहे आप जॉब करें, देखें पैसे कमाना पैसे कमाना चाहिए, लेकिन जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हैं उसको छोड़ के अगर आप पैसे कमाना शुरू करें तो उससे न सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि उससे आप पूरे मुल्क का इमेज यहाँ पे जो है ना जी ख़राब करें। क्योंकि आपने एजेंट्स वाले स्टूडेंट्स वाले भी बात की, हमारे मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स बेचारे पाकिस्तान में बहुत एजेंट्स को 10-10, 8-8 लाख रुपये दे के आते हैं, वो बेचारे यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना वो स्कॉलरशिप्स उनको नहीं होती। आपको पता है कोरिया एक बहुत ही वो एक एक्सपेंसिव मुल्क है एजुकेशन में, तो फिर वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, वो साथ साथ में जॉब करके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, शुरू में शायद कुछ ना कुछ वो कोशिश करें, लेकिन ये एक बहुत ही टफ जॉब है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, फिर यहाँ पर इलीगल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का इमेज ये बहुत ज़्यादा जी, पाकिस्तान का इमेज जो है ना इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता हो रहा है और होगा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस तरफ जो है ना काफ़ी वो हमारे यहाँ पे इलीगल जो स्टे भी शायद ज़्यादा थे और यहाँ पे रेफ्यूजी वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले लोग भी ज़्यादा थे, लेकिन अभी हमारी एम्बेसी ने इस चीज़ में बहुत ही सीरियस जो है ना वो स्टेप लेना शुरू किया है और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है जी। अभी हमारे इलीगल्स भी कम हो रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और रेफ्यूजी वीज़े के लिए एप्लीकेशन भी जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो फिर अगर उसी बात की तरफ वापस आएँ, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ चलें, आप पाकिस्तान के लिए अपने कल्चर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके स्कॉलरशिप नहीं है, तो आपने काम भी करना है एजुकेशन भी करना है, वेल एंड गुड, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अगर आप ये दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं, लेकिन नहीं वहाँ से आके नहीं यार मुझे स्टडीज़ में दिल नहीं लग रहा, मेरा नहीं हो रहा, मुझसे मुश्किल हो रहा है, वो करके अगर आप भागना शुरू करें
तो फिर उससे आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी स्टडीज़ को जारी रखेंगे शायद आपके लिए हार्ड हो, शायद दो तीन सेमेस्टर्स में आपके मार्क्स भी कम आए, शायद आपको मतलब दो तीन सेमेस्टर्स एक्स्ट्रा लगाने पड़े, लेकिन अगर आप उस लाइन में लगे रहेंगे, मेहनत सख्त मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली होगा। मैं भी जब यहाँ पर आया था तो यकीन मानिए कोरियंस के साथ पढ़ाई में मुकाबला करना आसान काम नहीं है, सबको पता है ये। किसी भी स्टूडेंट से भी आप पूछ लें, स्पेशल अंडर ग्रेड में या ग्रेजुएट स्कूल में जो भी पूछ लें, एक कोरियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके साथ मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए यही है कि आप थोड़ा सा अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें, मेहनत करें साथ में, और साथ में अपनी जॉब भी करें। देखें जी, सिर्फ पाकिस्तानी या कोई बाहर के स्टूडेंट सिर्फ जॉब नहीं करते यहाँ पे, पूरे कोरिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके चलाते हैं, अपनी फ़ीस भरते हैं, कोरियंस भी करते हैं ऐसा, तो ये पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपका स्कॉलरशिप ना हो तो आप ये दोनों चीज़ें चला सकते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ के जाएंगे तो सर सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि शायद आपकी फैमिली की मजबूरियां हो, आपको शायद थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने पड़े, पीछे पैसे भी भेजना पड़े, ये मजबूरियां होती हैं, हमें भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ अपनी एक फैमिली की मजबूरियों के लिए बहुत सारे फैमिलीज़ की मजबूरियों को आप दाव पे लगा रहे हैं, पूरे मुल्क के इमेज को आप दाव पे लगा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे नौजवानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक एहसास की बात होती है, शायद सामने हमें बहुत छोटा लगे ये, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है जी, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है हमारे मुल्क का जो इमेज है वो, क्योंकि कल को यूनिवर्सिटी जो है ना बाकी स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं देंगे, वो कहेंगे कि यार पाकिस्तानी तो आ जाते हैं फिर भाग के चले जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, कहाँ पे हैं पता नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो देखें आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। और अगर हमारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 2,500 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं, कल को ये यूनिवर्सिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा देना बंद कर दें, एडमिशन देना बंद कर दें, रिसर्च में बुलाना बंद करें, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ एक फैमिली या एक बंदे का नहीं, पूरे कौम का ये नुकसान होगा, तो ये हमें लाजमी सोचना चाहिए। बाकी अगर आप मेहनत करेंगे तो चाहे आप स्कॉलरशिप पे हो ना हो, आप ज़रूर कर सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा अपना छोटा भाई है अभी, वो भी सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहा है, वो मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करता है, मेहनत भी करता है और अपनी क्लासेस भी करता है। चाहूँगा जी हमारे चाहे स्टूडेंट हो कोई भी हो जी, यहाँ पे पाकिस्तान जितने भी हैं हमारे, स्पेशली जो हमारे नौजवान हैं, हमारा खून थोड़ा सा गर्म होता है, जोश और जज्बा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखें कोरिया में मतलब सैर व तफरीह करना, इंजॉय करना अपनी लाइफ को, कोई भी जो है ना कल्चर आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोकता जी, ना कोई मुल्क आपको रोकता है। खुश रहें, इंजॉय करें, जो आपका फ्री टाइम है उसमें मतलब आगे पीछे घूमा फिरा करें, ठीक है। अल्लाह ने बल्कि कुरान में कहा है कि सिरु फिल अर्ज, ज़मीन की सैर करें और आप उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, आपको अल्लाह की जो है ना वो अजमतों के बारे में पता चल सकता है। तो घुमा फिरा करें, अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम बाहर हैं मुल्क से, ऑफ कोर्स मुल्क में भी ऐसा हो लेकिन मुल्क से स्पेशली जब हम बाहर हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग पाकिस्तान के इनफॉर्मल डिप्लोमेट्स हैं, बिल्कुल हम में से हर बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। देखें कल को एक बंदा कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत एक्टिविटी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ गए, फिर वहाँ वो यूनिवर्सिटी से छोड़ के चले गए और जॉब पे लगे रहें, तो इससे क्या होगा कि आपके उस एक चीज़ से जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके लोग ये समझेंगे कि सारे पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, ठीक है ना जी। कोई भी एक्टिविटी हो, आप हमेशा एज अ पाकिस्तानी, मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि यार मेरे हर एक्शन से, ठीक है सिर्फ मेरा वास्ता नहीं है, मेरे हर एक्शन से मैं एक पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली मैं क्योंकि यहाँ पे टीवी पे भी काम करता हूँ या मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्पेशली मेरे जैसे लोग, अरशद भाई जैसे लोग हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर कदम लगाने की ज़रूरत है, हर कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन जितने भी जनरल हमारे लोग हैं, आपके हर स्टेप पर आपको ये सोचना लाजमी होगा कि मेरे इस स्टेप से मेरा अपना, मेरे मुल्क का, मेरे मज़हब का, मेरे कल्चर का क्या यहाँ पे उसका उसके इमेज पे। पहली ख्वाहिश तो मेरी ये है कि जी जल्दी शादी हो जाए। बातें बड़ी सीरियस हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को तो इंशाल्लाह मेरा ये है कि अब मैं काफ़ी अरसा मैंने जॉब की है, मैंने कहा 2016 से मैंने MBA स्टार्ट किया था और मैंने 2 साल की MBA का ब्रेक लिया क्योंकि मेरा टीवी शो भी चल रहा था, जॉब भी और MBA सारा बड़ा मसला चल रहा था, मैंने उसमें ब्रेक लिया हुआ। अभी इंशाल्लाह मैं वो कंप्लीट करूँगा जी, और आगे मेरा शॉर्ट टर्म में प्लान ये है कि मैं यहाँ पर इंशाल्लाह जो है ना अपनी बिज़नेस इस्टेब्लिश करूँगा इंशाल्लाह, और मेरा प्लान ये है कि मैं बिज़नेस एक ऐसी चीज़ में बिज़नेस इस्टेब्लिश करूँ कि जिसके थ्रू मैं
کوریا اور پاکستان کو آپس میں مزید جو ہے نا کلوز کرنے کی میں کوشش کروں گا جی. تو کوریا کو ایک بڑی مارکیٹ کی ضرورت ہے جی 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 جی. ان کی لوکل مارکیٹ چھوٹی ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, اسکلز ایکسپرٹیز ان کے پاس ہیں, لیکن مارکیٹ نہیں ہے. اس لیے ان کی ہمیشہ فوکس ہوتی ہے کہ باہر کے مارکیٹس میں یہ لوگ اپروچ کرتے رہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ کی ضرورت ہے, اور پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی اور اسکلز اور ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے الحمد للہ, بہت چیپ ہیومن ریسورس ہے اور پوٹینشیل ہے. انگلش اسپیکنگ ہماری جو ہے نا وہ ایک قوم ہے, آپ جیسے ینگ قوم ہے. مقصد ہے جی لانگ ٹرم میں میرا ان شاء اللہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ساری ایکسپیرینسز کے بیس پہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے بعد میں ان شاء اللہ جو ہے نا پاکستان کی پالیٹکس میں میرا پلان ہے جی. ان شاء اللہ آپ سب کی دعا ساتھ رہیں اور میں یہاں پہ محنت کرتا رہوں گا, سیکھتا رہوں گا. تو ان شاء اللہ میں پاکستان میں اسپیشلی شاید گلگت بلتستان کی پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس میں میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا. بھائی جتنے دوست دیکھ رہے ہیں نا تو آپ یہ مت دیکھیں کہ اس بندے میں کتنا جنون ہے, یہ آپ ویڈیو سے ایشو سمجھ نہیں آئے گی. پاگل ہے, مطلب کہ جیسے کہ ہم ابھی یہ پولیٹیکل بات ہو جائے گی, عمران خان کو لے لیں وہ 100 بار ہارا ہے مگر وہ جو ہے نا کبھی بھی ہمت نہیں ہارا ہے, وہ باتیں ان میں. تو اگر یہ پولیٹیکل کر دیں تو میں تو پورا دل و جان سے اس لیے کروں گا کیونکہ سب سے پہلے ان کے لیے پاکستان ہے. جیسے کہ ابھی بزنس کی بھی بات کی ہے, چاہے انہوں نے خواہش کی بات کی ہے, تو ان کا پہلا یہ ہدف نہیں تھا کہ بھائی میں کسی اسی مقام پہ پہنچوں. اس کا پہلا ہدف تھا کہ پاکستان اور کوریا مل کے کچھ ایسا کریں جس سے پاکستانی عوام جو ہے وہ اوپر آ جائے. یہ ایک بڑی بات ہے نا, اس میسج کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ بھائی میں کوئی لیڈر بن جاؤں یہاں پر, یا میں امبیسی میں لگ جاؤں, یا میں پاکستان امبیسی میں لگ جاؤں. خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں آگے جاؤں, باقی جائے بھاڑ میں. مقصد خود ہی سے بڑا ہونا چاہیے جی. ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہاں کی عوام جو ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اوپر آئے نا, کیونکہ بزنس یہاں سے انویسٹمنٹ وہاں جائے گی, وہاں پہ ڈیولپ ہوگا تو پاکستان اور کوریا دونوں کمائیں گے. تو یہ بڑا بہت بڑا ویژن ہے نا, تو میں تو پورا سپورٹ کرتا ہوں گا ان شاء اللہ, ساری لائف کرتا ہوں گا. لاہور میں ہوں, لاہور میں یہ بھائی بھی لاہور میں, فواد بھائی ان شاء اللہ لاہور سے ہیں. آپ کبھی بھی میں جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ وزٹ بھی کیا کریں گے, میرے پاس تو جو بھی آیا کرے گا میں تو بھائی لے کے جایا کروں گا. تو اور ویسے بھی آپ جب بھی لاہور ہیں آپ لازمی مجھے کال کیجیے گا, کیونکہ آپ کو لاہور میں بھی گھمائیں گے اور اس کے علاوہ لاہوریوں کے ساتھ آپ کا تعارف بھی کروائیں گے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی, اور ہم پولیٹیکل نہیں, ہم آپ کے ہر کام کے لیے اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے کیونکہ آپ پاکستان کے لیے ہیں. بغیر کسی لالچ کے, ہاں بغیر کسی لالچ کے, بغیر انہوں نے کام کیا ہے, کام کیا ہے بیس پہ, ویسے نہیں ان کو جو نہ وہ آگے لے کے. ہاں بالکل بالکل, کوئی لالچ نہیں تھا کہ مجھے پاسپورٹ مجھے یہ پیسے مل جائیں, محنت ضائع ہو رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ اسی بیس پہ ان کو ملا, اللہ تعالیٰ سے بڑی ان کی نعمت ہے. بالکل, پیسہ بہت اچھی چیز ہے کمانا چاہیے, لیکن پیسہ مقصد نہیں بننا چاہیے. مقصد جو ہے نا انسانیت ہونی چاہیے, ملک ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سب دعا کرتے رہیں اور میں اپنی محنت جاری رکھوں گا. ان سارے بھائیوں کا پیار ہے, سپورٹ ہے, آپ سب کا پیار ہے, سپورٹ ہے. اور ایک اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہاں کوریا میں جو ہے وہ ٹی وی پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, جتنی سوشل میڈیا پہ میں پاور کے ساتھ آگے جاتا رہوں گا تو یہاں پہ میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا رہوں گا. تو انسٹاگرام پہ ضرور مجھے فالو کریں, زاہد _PKKR ہے بھائی. میں لنک دے دوں گا, میں لنک کامنٹس کے نیچے جو لنک آئے گا پن کیا ہوگا وہ میں نے لنک ان کے انسٹاگرام کے URL کا جو ہے نا لنک میں پن کر دوں گا. جس نے بھی فالو کرنا, جس نے نہیں لازمی کرنا ہے, جو مجھے فالو کر رہے ہیں, جو مجھے فالو کر رہے ہیں, جو پاکستان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ زاہد بھائی کو لازمی فالو کیجیے گا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کس کی کتنی محنت کہاں تک, کس اسٹیپ تک پہنچی ہے. تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا بیک گراؤنڈ کس لیول سے شروع ہوا تھا. ہمیں سر انعام دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے بس دیکھتے ہیں, واہ بھائی مزہ آ گیا مزہ آ گیا, مگر اس کے پیچھے جب ہم دیکھتے تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ پوسٹ شیئر کرتے رہتے کہ بھائی میں اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں, میں اس اسٹرگل میں ہار گیا ہوں, میں اس بار دوبارہ ہمت پکڑ رہا ہوں. تو اس لیے آپ انہیں فالو کیجیے گا. اچھا زاہد بھائی ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی اسٹوری بتائیں جو آپ کا نک نیم ہو پاکستان میں, جیسے کہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی اسٹوری ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا بولتا ہے یار یہ کیا نام پڑ گیا, مگر وہ ابھی جب دیکھتے ہوں تو وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں, وہ اسٹوری بتائیں یار. بھائی آپ نے پتہ نہیں کیا یاد دلا دیا مجھے, بچپن یاد آ جاتا ہے, بچپن یاد آ گیا. میں کیونکہ کیڈٹ کالج کردوں میں میں پڑھتا تھا, تو وہاں پہ میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا جی جی جی, سب سے اپنی کلاس میں بلکہ اپنے پورے کالج میں قد میں سب سے چھوٹا میں ہوتا تھا.
तो लेकिन साथ में मैं बड़ा तेज़ फुटबॉल खेलता था और दौड़ता बोड़ता तेज़ था, मतलब इधर उधर ये सारी चक्करों में मैं पड़ा रहता था, चाहे कोई अच्छा चक्कर हो बुरा चक्कर हो हर चक्कर में पड़ा होता था। तो लोग मुझे जो है ना वो वहाँ की लोकल ज़बान है बल्ती, इस उर्दू की बल्तिस्तान की ज़बान है, उसमें मुझे चुन चुन कहते थे। चुन चुन मतलब है तो चुन चुन हम कहते, तो अपने ये हेयर स्टाइल में हम लोग जब ये मांग निकालते हैं उसको हम चुन चुन बोलते हैं जो नीचे आता है। अच्छा, लेकिन वो ये है कि मतलब वो हिलता विलता रहता है और वो एक थोड़ा सा एनर्जी और छोटा सा वो हाँ। तो वो उन्होंने मुझे पता नहीं, मैं क्यूट तो हूँ नहीं, लेकिन वो कहते थे कि हाँ। ये क्यूट सा नाम है, तो मेरा नाम चुन चुन रखा होता। अभी भी मेरे कैडेट कॉलेज के सारे ये जो अभी देख रहे हैं ये जो दोस्त जो हैं ये सारे मुझे चुन चुन बोलते हैं। तो मतलब उस टाइम पे तो थोड़ा सा आता था, लेकिन अभी बड़ा ये है कि यादें हैं उनसे वापस। अभी वो प्राउड फील करते होंगे कि यार देखो हम में से निकल कर कितना आगे गया है, तो माशाल्लाह वो दुआएं भी करते होंगे, प्राउड फील करते होंगे। हमारे माशाल्लाह कैडेट कॉलेज करदू के लड़के हर जगह पे आर्मी में बहुत सारे जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, तो मैं उनमें से एक हूँ, छोटा सा अदना सा अतनी सी चीज़ हूँ, तो मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ जिस जगह पे हूँ। तो बस आप सब प्यार करते रहें, दुआ करते रहें, और मुझे अरशद भाई के थ्रू या मेरे अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आप लोग जब सपोर्ट करेंगे, ट्विटर पे भी मैं हूँ, तो उन पे अपने आइडियाज़ देते रहें कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में क्या चीज़ प्रमोट कर सकता हूँ, क्या चीज़ दिखा सकता हूँ। तो आप लोग भी कोरिया में थोड़ा सा शौक पैदा करें और पाकिस्तान के बारे में जो चीज़ें हमने दिखानी वो भी मुझे बताते रहें, तो ये है कि हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से प्रमोट करते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों मुल्क बहुत ही क्लोज हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह कोरिया तरक्की कर गया कुछ ही सालों में, मज़े की बात ये बता दूँ कि कोरिया को अगर देखें तो हम लोग ये 1945 में आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर ये हमसे कितना आगे है ये एक आइडियल बता रहा हूँ, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि ये कितना डेवलप है। कम से कम भी मेरे अंदाजे के मुताबिक ये हमारी एक नस्ल से आगे चल रहे हैं ना, मतलब कि 50 साल 60 साल ये आगे चल रहे हैं किसी भी मामले में। पाकिस्तानी भी बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, मगर क्या है कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से, जगह ज़्यादा होने की वजह से, या शरा ख्वानदगी कम होने की वजह से हम लोग जो है ना वो उजागर नहीं कर पाते, या जो चीज़ ले कर चलते तो एक लिमिट तक दे लेते हैं, पूरा फैलाते नहीं है ना, मतलब जो हमें कामयाबी भी मिलती है तो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ही रहती है, शहर तक नहीं जाती, शहर तक जाती है तो मुल्क तक नहीं जा पाती है। तो ये इन लोगों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मुझे तो ऐसा ही है, जैसे यूनिवर्सिटी है मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही, चाहे मैंने यहाँ जॉब की है, चाहे मैंने यहाँ पे घूमा हूँ फिरा हूँ सैर किए, दोस्तों से मुलाकातें की हैं, मुझे सेम ऐसा ही लगा जैसे मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, जैसे मैंने कराची यूनिवर्सिटी से सीखा, सेम ऐसे ही यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इनकी जो है ना फॉलो भी कीजिएगा, और इनका जो है चुन चुन नाम नहीं, नीचे चुन चुन नहीं लिखते देना भाई, जाहिद भाई हमारे बहुत ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल बंदे हैं, कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इंशाल्लाह ताला इनसे दोबारा मुलाकात होगी, चाहे वो कोरिया में, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो स्कर्दू में, चाहे वो लाहौर में, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, चाहे वो ये पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे ये किसी भी काम में जाएंगे, इंशाल्लाह ताला मेरी सपोर्ट होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हर सच्चे पाकिस्तानी की होगी ना, क्योंकि ऐसे नौजवान आगे आएंगे तो जो हमारा जो मरूसी सियासत है या मरूसी कारोबार है या मरूसी जो है वो भी चलते रहें तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, अगर पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो रही है तो। अगर पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं हो रही है तो फिर हमें चाहिए कि हम लोग एक नया चीज़ नया चेंज लेकर आए ना, नई चीज़ को अप्लाई करके देखें कि शायद उसमें कुछ एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात कि बैकग्राउंड हमें देखना होगा ना, बैकग्राउंड देखने के लिए आपको हमारी पोस्टें जो है वो देखनी होंगी। तो जाहिद भाई आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया यार, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अभी मैं आपको ज़्यादा लंच वंच का अभी आ जाएँ ज़्यादा। थैंक यू ज़रूर जी। अच्छा भाई अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एक आखिरी मैसेज आप सबको दे दूं जी जी, कि मेरा ख्याल है अरशद भाई को जो के पॉप के फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में वो सब ज्यादा BTS, तो अगर आपको के पॉप का नहीं पता हो तो जी कोरिया का जो पॉप म्यूजिक कल्चर है वो बहुत ही पूरी दुनिया में मशहूर है, बड़ी है। आप भी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट करें, पैदा करें तो आप भी, आपको भी शायद अच्छा लगे। यहाँ के जो BTS जो ग्रुप है बहुत बड़ी ग्रुप है, बहुत बड़ा बैंड है पूरे पाकिस्तान में। कल ही रिसेंटली उनका नया एल्बम रिलीज हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे ये लोग मतलब आर्टिस्ट हैं। केप BTS है, एक्सो है, और फीमेल को साई जो है जिसने गंगनम स्टाइल किया था वो भी इनके आर्टिस्ट हैं। रेड वेलवेट है, ब्लैक पिंक है, ये बहुत सारे बैंड्स हैं, तो इनके उसमें बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरतियाँ नज़र आएंगी, तो उनमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। और बाकी हम दोनों को जो है ना वो आप सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, हम भी आपसे प्यार करते अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।